नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल गुडोना इंटीरियर में। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, अगर 10x10 के रूम में आपको वार्डरोब, स्टडी टेबल और स्टोरेज के लिए स्पेस बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये एक हमारा 10x10 का रूम है, 3 फुट का हमारा ये दरवाजा है चौखट मिला के यहाँ से कोने से कोने यहाँ तक। उसके बाद अपनी स्टडी टेबल, वार्डरोब और ऊपर स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है। तो इसकी पूरी जानकारी अभी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से लेके इस कोने से ये रूम, इसकी चौड़ाई जो हमारी टोटल 10 फुट है, उसमें हमारा जो ये दरवाजा है यहाँ से चौखट मिला के यहाँ तक पूरा 3 फुट का स्पेस हमारा ये दरवाजे में चला गया। तो हमारे पास जगह जो बचती है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये हमारे पास 7 फुट जगह बचती है। हाइट की अगर मैं बात करूं आपसे ऊपर से लेके नीचे फ्लोर तक, तो ये हमारे पास 9 फुट हाइट है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जहां से हमारा ये दरवाजा स्टार्ट है, दरवाजा खोलने का हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टडी टेबल का प्रोविजन दिया हुआ है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने इसकी जो डेप्थ रखी है, ये हमारी जो डेप्थ है ये 16 इंच है। इसकी अगर मैं आपसे हाइट की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्टडी टेबल की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो 30 इंच रहनी चाहिए, तो हमने भी 30 इंच इसकी हाइट रखी है। और चौड़ाई की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो चौड़ाई है अंदर अंदर वो 2.5 फुट है, लगभग 30 इंच है। तो 30 इंच में यहाँ पे आराम से यहाँ पे चेयर आपका लगा सकते हैं, चेयर को आप अंदर बाहर करके आराम से मूवेबल करके रख सकते हैं। सबसे पहले नीचे हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे 3 इंच का एक पट्टी यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे आप अपना पैर इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये इसकी जो हाइट है हमने यहाँ पे 2 फुट यहाँ पे हाइट रखी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फुट हाइट रखने के बाद हमने यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है, एक ये लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बाद 2 इंच का हमने यहाँ पे एक ये सेल्फ लगाया हुआ है। उसके बाद हमने 6 इंच का स्पेस यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान या पेंसिल बॉक्स या कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने यहाँ पे जितनी हमारी चौड़ाई नीचे थी उतनी ही चौड़ाई का 2.5 फुट छोड़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 2 फुट ऊंचा हमने यहाँ पे एक ये बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें हमने बॉक्स में क्या किया, 2 पल्ले बनाने के साथ ही हमने दोनों साइड से 3-3 इंच का बॉर्डर छोड़ने के बाद इधर से और ऊपर से यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया हुआ है दोनों पल्लों में। और उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सेंटर में यहाँ पे एक सेल्फ लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना बुक्स वगैरह यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे रख सकते हैं आप। उसके बाद स्टडी टेबल के बाद हमने क्या किया हुआ है, लगभग 4.25 फुट हमारा है, उसके बाद ये स्पेस बचता है, तो यहाँ पे हमने एक स्लाइडिंग वार्डरोब का प्रोविजन दिया हुआ है। तो 4.25 फुट हमारा ये स्लाइडिंग वार्डरोब हो गया, और यहां से लेके यहां तक जो हमारी हाइट है ये लगभग 7 फुट हमारी हाइट हो गई है। इसमें हमने नीचे 4 इंच का स्कर्टिंग निकाल दिया है। 4 इंच का स्कर्टिंग निकालने के बाद हमने यहाँ पे ये 2 डोर वाला स्लाइडिंग वार्डरोब बनाया हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इधर से अगर मैं आपको बात करूं सबसे पहले, तो हमने क्या किया हुआ है, 15 इंच चौड़ाई पे हमने यहाँ पे एक सेल्फ लगाया हुआ है, और ऊपर का जो हमारा एरिया है पूरा ऊपर का हमने अंदर इसमें खड़ा सेल्फ नहीं लगाया, पूरा ऊपर का हमने जो स्पेस है वो पूरा प्लेन रखा हुआ है ये ऐसे। और यहां से लेके यहां तक 16 इंच हमने इसकी हाइट रखी है। इधर से आप देखेंगे तो इधर से भी पूरा प्लेन है, इधर से अगर आप देखते हैं तो ये पूरा हमने प्लेन रखा है, इसमें सेल्फ नहीं लगाया, जिससे कि इन फ्यूचर में आपको कभी भी इसमें कुछ बड़ा सामान रखना हो तो आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। तो 16 इंच का स्पेस हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक हाइट का 40 इंच हाइट का हमने यहाँ पे एक ओपन बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमने ये हैंगर रोड लगा दिया है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना कोट टांगने का या और भी कपड़े टांगने का प्रोविजन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये मल्टीपल हैंगर रोड लगाया हुआ है। इसमें 2 ये बड़े बड़े आपको नीचे के मिल जाएंगे हैंगिंग के लिए, 2 ये छोटे ऊपर मिल जाएंगे हैंगिंग के लिए। उसके नीचे हमने क्या किया हुआ है, 6 इंच का दराज एक उसके नीचे बनाया हुआ है, और एक और दराज हमने 6 इंच का उसके नीचे बनाया हुआ है, और नीचे जो हमारे पास ये लगभग 13 इंच जगह बचती है ये हमने पूरा ओपन रखा हुआ है। और स्लाइडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग पल्ले लगाए हुए हैं, इसको आप ऐसे धीरे से पुश कर दीजिए अपने आप जाके कोने में पहुंच जाएगा। इस साइड का जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो टोटल हमारी चौड़ाई थी वो लगभग 4.25 फुट थी। उसके बाद हमने 16 इंच का यहाँ पे खड़ा पार्टीशन लगाया हुआ है,
हाइट हमारी इसकी जो थी लगभग 40 इंच हाइट थी, तो हमने इसको क्या किया हुआ है 13-13 इंच के यहाँ पे हमने तीन खाने बना दिए है। तो एक सेल्फ हमने ये यहाँ पे लगा दिया, तो 13 इंच का एक बॉक्स हमें यहाँ पे मिल गया, एक बॉक्स हमें यहाँ पे मिल गया, एक बॉक्स हमें ये यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे मल्टीपल अपने आप कपड़े यहाँ पे सलाम रख सकते हैं। उसके नीचे हमने अगेन क्या किया हुआ है 6 इंच का एक दराज यहाँ पे बनाया हुआ है, एक और उसके नीचे दराज यहाँ पे 6 इंच का बनाया हुआ है, और नीचे में हमारा जो ये स्पेस बचता है 13 इंच हमने ओपन छोड़ दिया है। ऊपर वाले दराज में हमने क्या किया हुआ है एक यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, तो इसको आप एज ए लॉकर की तरह यहाँ पे अपना कुछ भी कीमती सामान आप यहाँ पे रख के उसको ताला लगा सकते हैं। इसके बाद 7 फुट हाइट के बाद हमारे पास जो ऊपर जगह बचती है 2 फुट, उसमें हमने क्या किया हुआ है सबसे ऊपर अगर आप देखें तो हमने 3 इंच का एक बॉर्डर लगाया हुआ है, उसके अंदर हमने स्पॉटलाइट लगाई हुई है, और उसके नीचे हमारे पास जो जगह बचती है लगभग 21 इंच जो जगह बचती है, 21 इंच में हमने क्या किया हुआ है स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये पूरा ओपन रखा हुआ है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी अपना बड़ा सामान ब्लैंकेट या कुछ भी आप अपना यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद भी हमने यहाँ पे भी ये पूरा ओपन रखा हुआ है, और इसके बाद जो हमारा ये तीसरा पल्ला है इसके उसमें भी हमने पूरा ओपन रखा हुआ है। इसमें जो हमारा रूम में जो एक फायर का पाइप था उसको हमने क्या किया हुआ है एक्सटेंड करके जो हमारे पल्ले हैं उसके बाहर से निकाल दिया है। तो जहां पे हमारा जो ये वाला पल्ला है इसमें हमने क्या किया हुआ है इसकी हाइट 2.5 इंच कम कर दी है, ऊपर एक 2.5 इंच की पट्टी लगा के उसमें राउंड होल करके जो फायर वाला पाइप है ये हमने बाहर को निकाल दिया है। दूसरी चीज जो हमारा ये दरवाजा है दरवाजे के ऊपर भी हमने क्या किया हुआ है 3 फीट का ऊपर ये पूरा जो हमारे पास स्पेस था इसको भी स्टोरेज के लिए यूज कर लिया है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रूम में मिल सके, क्योंकि हमारा जो रूम का साइज है वो 10 फीट है, छोटा साइज है, तो हमने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम स्पेस हम यूज कर सकते थे उतना हम स्टोरेज के लिए कर लें। तो ये हमने एक बहुत ही सुंदर सा स्टडी टेबल के साथ में वार्डरोब और ऊपर स्टोरेज के लिए बनाया हुआ था 10x10 के रूम में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सबसे जरूरी बात अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे नए वीडियो में जल्दी आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।